ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के पुल एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण हो गया ये 30 और 45 डिग्री। तो ये एकांतर अंतःकोण से ये यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। और जो पुल की ऊंचाई, जो पुल की यहाँ पर पुल है तो वहाँ यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई है और नदी की चौड़ाई हमें निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे x मीटर और यहाँ को इसको y मीटर। तो नदी की चौड़ाई को टोटल हो जाएगा x प्लस y मीटर। पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो इसमें हम टेन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे P बटा बी, तो P का मान है 3 और B का मान है x मान लिए हैं। तो टेन तीस का मान होता है 1/√3 इंटू करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। फिर हम चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में। इसमें भी हम टेन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि इसमें P बटा बी का मान दिया है और हमें b का मान निकालना है, तो इसलिए हम tan थीटा का ही यूज़ करेंगे इसमें। तो इस tan 45 का मान होता है 1 की फॉर्मूला होता है और हम y का यहाँ से मान 3 मीटर निकाल लिए हैं। फिर नदी के चौड़ाई जो x प्लस वाई मीटर है तो यहाँ पे हम 3√3 और 3 जोड़ दिए हैं, इसमें से कॉमन लिए है 3, तो हो जाएगा √3 + 1। ये आंसर हो जाएगा।